ऑलराइट, तो प्रीवियस क्लास में आप सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर जो है वो पढ़ चुके थे, ओके। एंड अप्रोच ये थी सपोर्ट वेक्टर मशीन में क्लासिफिकेशन की, कि आपको जो है एक हाइपर प्लेन बनाना है दैट विल बी सेपरेटिंग क्लास ए फ्रॉम क्लास बी। और आपने इसकी मैथ्स देखी तो ये समझ में आया कि ऑप्टिमाइजेशन करना इसमें जो है टफ है, एंड इट यूजेस सम गुड थ्योरम्स टू परफॉर्म द ऑप्टिमाइजेशन, ओके। क्योंकि आपको यहाँ पर ये कहा गया कि ये है क्लास ए की बाउंड्री, ये है क्लास बी की बाउंड्री, आपको बोला कि मार्जिन जो है मेरी वो मैक्सिमम होनी चाहिए, यही आपके पास ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम था। तो आपने करा, अपनी जो रिक्वायर्ड यहाँ पर अप्रोच है वो लगाई, एंड इट्स ऑल प्रेजेंट इन द लेक्चर। अब आज मुझे आपको बताना है सपोर्ट वेक्टर, क्योंकि क्लासिफिकेशन नहीं करता सिर्फ, वो रिग्रेशन भी करता है, ठीक है। SVM डू रिग्रेशन ऑल्सो। तो रिग्रेशन, जैसा कि आप जानते हैं, रिग्रेशन प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम वेयर योर टारगेट इज कंटिन्यूअस इन नेचर, ठीक है। टारगेट कंटिन्यूअस होता है, क्योंकि क्लासिफिकेशन में तो टारगेट आपने देखा क्लासेस में होता है, 0 1 या ए बी या वट एवर, ट्रू फॉल्स वट एवर, जो भी है वो होता है। रिग्रेशन में टारगेट जो है वो कंटिन्यूअस इन नेचर होता है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू है और न्यूमेरिकल में कंटिन्यूअस है वो। जैसे कि हाउस प्राइस प्रिडिक्शन, ओके, उसमें जो प्राइस आपका टारगेट है उसकी जो वैल्यू है वो कंटिन्यूअस इन नेचर है। ऑलराइट, ठीक है। तो भाई ये आप सपोर्ट वेक्टर मशीन रिग्रेशन की अल्गोरिदम से सॉल्व करना चाहते हैं। अब क्वेश्चन उठेगा, सर कैसे करोगे? क्लासिफिकेशन का तो काम हमने देख लिया, रिग्रेशन कैसे कर लोगे सर? क्लासिफिकेशन में तो सर हाइपर प्लेन था, और हमारा काम यह रहता था कि क्लास ए को क्लास बी से सेपरेट करना, तो उसके लिए तो हमने देखा कि क्या अप्रोच लगती है। आप रिग्रेशन कैसे कर लोगे? यहाँ कौन सा हाइपर प्लेन होगा? तो भाई यहाँ हाइपर प्लेन तो नहीं होगा। अच्छा, अल्गोरिदम की जो नाम है, जो टाइटल है, वो तो सेम है, सपोर्ट वेक्टर मशीन, यानी सपोर्ट वेक्टर तो होंगे सर। सपोर्ट वेक्टर क्लासिफिकेशन में किसको बोल रहे थे? दोज डेटा पॉइंट्स विच आर प्रेजेंट एट द क्लास बाउंड्रीज आर सेट टू बी सपोर्ट वेक्टर्स इन केस ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट्स व्हाट वी सेड। तो सर आपको रिग्रेशन करना है, आपको कंटिन्यूस टारगेट जो है वो प्रिडिक्ट करना है, अल्गोरिदम वही है, सपोर्ट वेक्टर मशीन के नाम से चल रही है, यहां पर भी सपोर्ट वेक्टर होंगे। तो ये प्रिडिक्शन होगा कैसे, क्या कर सकते हैं अपन? तो देखिए यहां पर वो कुछ इसी तरीके से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये है रिग्रेशन लाइन। अब मैं इसको हाइपर प्लेन नहीं बोलूंगा भाई, अब मेरी जो यहाँ रिक्वायरमेंट है वो बदल गई। पहले मुझे क्लासिफिकेशन करना था, तो मेरा टारगेट वैसा था, अब मेरा टारगेट कंटिन्यूस इन नेचर है, तो मैं अब हाइपर प्लेन या डिसीजन बाउंड्री नहीं बोलूंगा, मैं उसको बोलूंगा ये रिग्रेशन लाइन है मेरी, यानी इस पर पॉइंट्स हैं, टारगेट वाले पॉइंट्स हैं, रिग्रेशन लाइन है। वो लीनियर रिग्रेशन में भी तो ये था ना, देयर इज अ रिग्रेशन लाइन, है ना, ऐसे ही बनाते थे, रिग्रेशन लाइन थी और तुम्हारे फिर प्रिडिक्टेड पॉइंट्स आते थे, ठीक है, यही होता था लीनियर रिग्रेशन में भी। उसी तरीके से क्योंकि अब ये भी रिग्रेशन है, तो ये रिग्रेशन लाइन है आपकी, इनवर्सन ओके, यस। इनवर्स रिग्रेशन का है ना सर?
यस नाउ ऑडिबल। सर इनवर्स रिग्रेशन सर कह रहे हैं, आप बोले ना ये इनवर्स रिग्रेशन क्या सर है? सर मैं क्या पूछ रहा है, इनवर्स रिग्रेशन और एसवीएम।
ओके, स्लो पे वो ऐसा है ना, रिवर्स है ना। हाँ ओके। ओके।